संजय नगर की डाणी चाचा वाली में बसपा नेता का हुआ नागरिक अभिनंदन। झूठी घोषणा व पत्थर लगाने वाले को जनता दिखाएगी आईना। संजय नगर की डाणा चाचा वाली में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी व बसपा नेता मनोज घुमरिया रहे। अध्यक्षता बसपा जिला प्रभारी मखलाल सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि में हनुमान प्रसाद जाखड़, सुरेंद्र सिंह फौजी, हरि हजारीलाल मीणा, संत रतिनाथ महाराज, कैप्टन सुनवीर सिंह निर्वाण, पंडित सुरेश शास्त्री जाबरमल रहे। इस दौरान घुमरिया को खुली गाड़ी में बिठाकर गांव के प्रमुख मार्गों से डीजे पर नाचते गाते हुए ग्रामीणवासी जुलूस के रूप में सभा स्थल पर लेकर आए। समारोह से पूर्व घुमरिया मंदिर जाकर भगवान शिव परिवार को नमन कर सभा स्थल पर आए। मंच पर घुमरिया सहित सभी मंचस्थ अतिथियों का साफा माला बनाकर स्वागत किया गया। वही नव मंडल संजय नगर की ओर से 51 किलो के पुष्पहार से सम्मान किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में 1016 कन्याओं की शादी में आर्थिक सहयोग, क्षेत्र में 60 बोरिंग लगवाकर पेयजल समस्या का निदान किया है। संजय नगर की जो सबसे बड़ी और मुख्य आबादी का जो गांव है चाचा वाली, और उसके आस पड़ोस की छोटी बड़ी सभी डाणियों ने मिलके बहुत भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। डीजे के साथ में जो बड़ी रैली निकाली और एक बहुत बड़ी विशाल सभा का आयोजन हुआ। इस स्वागत के लिए, नागरिक अभिनंदन के लिए मैं समस्त चाचा वाली संजय नगर ग्राम से जुड़े हुए सभी, आसपास से पधारे हुए सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस सभा में हम सब ने ये देखा कि बड़ा जोश था सब लोगों में, विशेष रूप से सैनी समाज में। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी की जनता की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना और हमारे क्षेत्र का विकास करना ही है, और सर्व जाति सर्व समाज को साथ लेके चलना मेरा परम कर्तव्य होगा। खेतड़ी में पर्यावरण प्रेमी ने वन विभाग को सौंपे 1100 पीपल के पौधे। वन विभाग करेगा पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरित क्रांति का आगाज। खेतड़ी कस्बे में वन विभाग कार्यालय के सामने श्री श्याम पदयात्रा शिविर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण पहल की गई। इस दौरान पीपल की पौध वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गीता लीला दर्शनी रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर गोकुलचंद सैनी, पूर्व चेयरमैन विजय साहा, एडवोकेट मुकेश शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष सीताराम वर्मा थे। अध्यक्षता SDM जयसिंह चौधरी ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने एक ही गमले से तैयार किए गए सैकड़ों पौधों की पौध का निरीक्षण करवाया और अधिकारियों को तैयार की जा रही के बारे में जानकारी दी। SDM जयसिंह चौधरी ने कहा कि पिछले 48 वर्षों से लगातार पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा की ओर से पीपल और बरगद की तैयार कर पर्यावरण संरक्षण की भूमिका में अहम भूमिका निभा रही है, जो एक सराहनीय कार्य है। ये गोपाल कृष्ण जी शर्मा के द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत पीपल के पेड़ों का जो सोइंग कर जो बीठों को इकट्ठा कर और सोइंग करते हैं, सोइंग के बाद ये इन्होंने आज ये जो सोइंग का जो दिया है हमारे को, ये हम थैलियों के अंदर इनके पर्किंग करके और डालेंगे और उनको तैयार कर लोगों को वापिस निःशुल्क। आज पर्यावरण गोपाल अंकल जी जो 48 सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमेशा बरगद पीपल और कोरोना काल में इन्होंने अधिक से अधिक, मतलब तुलसा जी, इन्होंने हर जगह बांट बांट कर सबको ये मैसेज दे दिया कि कोरोना जो बीमारी है सबसे ऐसी जो औषधियाँ हैं उन्होंने बहुत वितरित की हैं, और मैं इन्हीं से ये धन्यवाद देना चाहूँगी। ये लोगों की जनहित की सोचते हैं। गोपाल जी पिछले 48 सालों से काम कर रहे हैं और पिछले 6-7 साल से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ आपसे, और मुझे पता है कि ये पीपल और बरगद की पौध तैयार करके आम जन में वितरित करते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत सुंदर पहल है। हर व्यक्ति यदि इस तरह से करे तो फिर पर्यावरण में बहुत सुधार हो सकता है। खेतड़ी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने श्याम बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी, क्षेत्र की खुशहाली के लिए की मंगल कामना। खेतड़ी के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने श्री श्याम पद यात्रा मंडल के द्वारा लगाए जा रहे पैदल यात्रियों के शिविर में मां आरती में भाग लेकर हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने बाबा श्याम की जोत जलाकर मां आरती में भाग लिया। SDM जयसिंह चौधरी ने क्षेत्र की खुशहाली व होली के पावन अवसर पर आपसी भाईचारे व प्रेम के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। हर साल की बात थी, इस साल भी बड़े धूमधाम से और बड़े चाव से, और जिसमें सभी प्रकार के खाने पीने के साधन होते हैं और उनकी सभी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। आज ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई, उन्होंने पूजा अर्चना की, और होली के पर्व में सभी भाई बंधु आपस में मिलकर भाईचारे के रूप में इस पर्व को मनाए, श्याम बाबा के और होली को, और सभी की खुशहाली के लिए दुआ मांगी उन्होंने श्री श्याम पर।